सिंगरौली में विंध्य नगर स्थित पुराने हनुमान मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम सज्जन वर्मा ने अपनी सूझबूझ से मामले को शांत करवाया। कहते हैं कि भगवान सभी के होते हैं, लेकिन आजकल लोग दबंगई दिखाकर भगवान पर भी अपना हक जताने की कोशिश करते हैं। ताजा मामले में सिंगरौली के एक 40 वर्ष पुराने मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापना को लेकर दो पक्ष आपस में बढ़ गए। कुछ लोगों का आरोप था कि अपने आप को समाज से भी बताने वाले आरडी गर्ग और उनके साथी मंदिर पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं, जिसका विरोध वार्ड पार्षद प्रेम सागर मिश्रा समेत अन्य लोग कर रहे थे। इसी बात पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इधर जैसे ही इस घटना की जानकारी सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ल को मिली, उन्होंने तत्काल ही सिंगरौली एसडीएम सज्जन वर्मा को मौके पर भेजकर मामले को सुलझाने के निर्देश दिए। चाहेंगे कि जैसा कि अभी श्रीमान एसडीएम महोदय के द्वारा जो निर्णय लिया गया वह बहुत ही अच्छा है और जो व्यवस्था के यहाँ संचालन है वह पूर्व की भांति संचालित रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा जैसा कि अभी निर्णय हुआ है और उस निर्णय का हम सभी लोग स्वागत करते हैं। ये व्यवस्था चलती रहेगी, पुराने पुजारी साहब जो हैं वो यहीं पर रहेंगे और यदि हमारी तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए हो, चाहे वो ट्रस्ट बना करके सहायता चाहिए या बिना बनाए भी चाहिए, तो प्रशासन हमेशा साथ में खड़ा है और जो भी जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी हम लोग उसको पूरी सहायता देंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।